दोस्तों संजय कॉम्पिटेटिव आपको स्वागत है। मैं पहले आप लोग को बोला था कि स्टेट वाइज जीके बनूंगा जो पढ़ने के लिए इजी होगा और याद करने के लिए भी इजी होगा। मैं आंध्र प्रदेश के बारे में पहले बनाया था, आज मैं असम के बारे में कुछ बोलता हूं। जो इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं असम के बारे में। असम जो फॉर्मेशन मतलब गठन हुआ था कब, 1950 में फॉर्मेशन हुआ था। इसका कैपिटल है दिसपुर, असम का कैपिटल दिसपुर। इसका असम का जो लार्जेस्ट सिटी है वो गुवाहाटी है, इसका हाईकोर्ट भी गुवाहाटी में है। अभी उनका चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है आसामी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट वो 126। ठीक है दोस्तों, मैं अगेन रिपीट करता हूँ जो आप लोग को याद करने के लिए इजी होगा। असम जो गठन हुआ था वो 1950 में, इसका कैपिटल है दिसपुर, इसका लार्जेस्ट सिटी है गुवाहाटी, हाईकोर्ट भी गुवाहाटी में है, इसका चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है आसामी, लोकसभा सीट से 14, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली है 126। ठीक है, चलते देखते हैं इसका मेजर क्रॉप्स देखिए, जूट, शुगर केन, कॉटन। क्या बताया ना, जूट, शुगर केन, कॉटन। बॉर्डर विथ अदर स्टेट्स, जो अदर स्टेट को वो टच किया है वो देखिए कितना, कौन सा स्टेट को वो टच किया है। असम टच किया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड मेघालय। वो दोस्तों वो असम टच किया है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड मेघालय। फिर दोस्तों और इंटरनेशनल बाउंड्री में वो किसको टच करा है ना, भूटान एंड बांग्लादेश को। मेन सिटीज वो असम का अंदर जो मेन सिटीज है वो दिसपुर, गुवाहाटी, दिबगढ़, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मेन तीन लिया है। रिवर असम में बहुत बड़ा अच्छा रिवर, बड़ा रिवर है जो ब्रह्मपुत्र है ना, मानस। फोक डांसेस वो वहाँ जो डांसेस है, बिहू, झुमुर, बोटल डांस, शास्त्रीय डांस। ठीक है, इसका फोक डांसेस जो बिहू एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए, बिहू डांस के बारे में, फोक डांस है बिहू, झुमुर, बोटल डांस, शास्त्रीय डांस। इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स असम के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है लोकप्रिय गोपीनाथ बर्दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी वो चेंज होके इसको भी गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों, ये दोनों जो पहले लिया है मैं, एक काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और किस किस के लिए है वो, काजीरंगा नेशनल पार्क जो 100 राइनोसोर के लिए और एलिफेंट के लिए, दोनों, एलिफेंट नहीं लिखा मैंने लेकिन एलिफेंट के लिए भी, काजीरंगा नेशनल पार्क 100 राइनोसोर्स के लिए एंड एलिफेंट के लिए, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाटर बफालो के लिए। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को अच्छे से याद करना, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके दोस्तों, इसके बाद चलिए राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क है एंड दिब्रू सोईखवा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को क्या करना है, वीडियो को जरूर एंड तक देखना, क्योंकि एंड पार्ट में मैं इतना मजा रखा है जो कि आप देखेंगे ना आप कंपलसरी याद करने का इच्छा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन सब एग्जाम में रिपीट होता है, इसीलिए आप लोग को याद करना जरूरी है। जो एग्जाम में मार्क बढ़ाना, स्कोर बढ़ाने के लिए चाहते वो कंपलसरी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने लिया, ठीक है वो मैं फिर से बोल देता हूँ, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है असम के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन इंडिया, सबको मालूम होता है असम का टी प्रोड्यूसर में, चाय प्रोड्यूस में लार्जेस्ट इन इंडिया में, लार्जेस्ट टी सिटी ऑफ इंडिया देवगढ़ को बोला जाता है टी सिटी ऑफ इंडिया देवगढ़। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाम्बू में भी असम में पाया जाता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नाइल आइसलैंड क्या होता है, हम लोग को मालूम होता है समुद्र का अंदर जो आइसलैंड है,
लेकिन इधर वो रिवर का अंदर नदी का अंदर जो इसलैंड है वो है माजुली। कहाँ पर है ना? ब्रह्मपुत्र नदी का रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माजुली। ओके दोस्तों, फिर से बोल देता हूँ आप लोग को वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर इन इंडिया, टी सिटी ऑफ इंडिया होता है देवगढ़, असम का वो एक डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाम्बू इन इंडिया में कौन है ना? असम है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नाइल आइसलैंड, जो नदी का अंदर जो आइसलैंड है वो माजुली ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। और इसको बोला जाता है नोन एज लैंड्स ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। इसको भी असम को भी बोला जाता है रेड रिवर, नील नदी, सॉरी रेड लाल नदी एंड ब्लू हिल्स बोला जाता है। इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर भी, इसको याद कीजिए, इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट वो जो रिवर ब्रिज है भूपेन हजारिका ब्रिज, क्या है? भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि लोहित रिवर में लोहित नदी का ऊपर गया है। इसको अच्छे से याद करना। इंडिया से ओल्डेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया से ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन असम, वो कहाँ पर है ना? दिग्बोई। ओल्डेस्ट एंड फास्टेस्ट मतलब पहला, इंडिया का जो सबसे पुराना एवं पहला रिफाइनरी सिस्टम हुआ था वो असम में है, दिग्बोई में है। और वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेविंग विलेज, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का सबसे वेविंग मतलब बुनाकार विलेज हो जो के साउकुची इन असम में है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में सबसे बुनाकार गांव कहाँ है ना? साउकुची इन असम में। और ब्रह्मपुत्र इज इंडियाज ओनली वन मेल रिवर, देखिए ब्रह्मपुत्र जो इसको मेल रिवर बोला जाता है इन असम। इंडिया का एक सब रिवर को फीमेल धारा जाता है लेकिन ब्रह्मपुत्र को मेल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आप लोग को याद करने के लिए। ठीक, कौन सा ना मेन जो पॉइंट है, मेन ये देखिए वो जो नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, वो कहीं के लिए फेमस है ना? ना वन हॉर्स डायनासोर एंड एलिफेंट के लिए। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए फेमस है ना? वाटर बफालो के लिए। इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन टी। ओके, और देवगढ़ को टी सिटी बोला जाता है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाम्बो, और इसमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो रिवर लाइन आइसलैंड वो है माजुली, कहाँ पर है ना? ब्रह्मपुत्र रिवर का ऊपर है। और इसको बोला जाता है क्या ना, रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। और इंडिया से सबसे जो ब्रिज है, जो रिवर ब्रिज है, उसका नाम है भूपेन हजारिका, वो असम का अंदर है और लोहित नदी का ऊपर है। और असम का सबसे और एशिया का सबसे ओल्डेस्ट, सॉरी इंडिया नहीं एशिया का, ये तो एशिया का और वर्ल्ड का भी होगा रिफाइनरी इन असम बहुत दिग्बोई, सॉरी इंडिया का होगा नहीं, इंडिया का सबसे, वो कहाँ चला गया, वो इंडिया का सबसे, इसको मैं असम लिख दिया, एशिया लिख दिया, इसको इंडिया कर दीजिए। इंडिया से ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन असम दिग्बोई में, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेविंग विलेज है सुलकची इन असम में, ब्रह्मपुत्र इंडिया से ओनली मेल रिवर इन असम। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ आप लोग को पहले पढ़ता हूँ आप लोग कितना याद किया, पहले चलो चेक करते हैं, देखते हैं क्या क्या किया। मैं क्या करूँगा, आपका जो क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर के लिए आपको याद करने के लिए थोड़ी टाइम दूंगा, इसके बाद मैं आंसर बोल दूंगा। असम कब गठन हुआ था? 1950 में। इसका कैपिटल क्या है? दिसपुर है। इसका लार्जेस्ट सिटी क्या है? गुवाहाटी है। इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। इसका चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। गवर्नर अभी कौन है? जगदीश मुखी है। इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 33। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है असम का? असमीज। इसका लोकसभा सीट कितना है? 14। राज्यसभा सीट 7। विधानसभा 126। और जो मेजर क्रॉप्स है जूट सुगरकेन कॉटन। ये कौन सा अदर बॉर्डर स्टेट, जो बॉर्डर स्टेट में क्या है मतलब कौन सा स्टेट को टच किया है?
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड मेघालय। और इंटरनेशनल बाउंड्री को कौन कौन टच किया है? भूटान एंड बांग्लादेश। इसका जो मेन सिटी है वो क्या क्या है? दिसपुर, गुवाहाटी, दिबगढ़। और असम का अंदर जो मेन रिवर गया है वो दोनों रिवर का नाम मैं अभी बताया था वो क्या है? ब्रह्मपुत्र एंड मानस। इसका जो फॉक डांसेस सबसे इम्पोर्टेंट है बिहू। ओके, बिहू इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट से क्या है इसका नाम? गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसका पुराना नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसमें जो अभी अभी बोला था जो नेशनल पार्क है दोनों बहुत इम्पोर्टेंट बोला था। नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, वन हॉर्स डायनासोरस एंड एलिफेंट। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए है? वाटर बफालो के लिए। इसके साथ साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल पार्क भी है, दिब्रुगढ़ सोयखा नेशनल पार्क है, सॉरी इंटरनेशनल नहीं नेशनल, और नेशनल पार्क है। ठीक है, मैं और एक बार फिर देखता हूँ वो असम कौन कौन प्रोडक्शन में फास्ट है। एक में टी में, दूसरा बाम्बो में। असम का कौन सा सिटी को टी सिटी बोला जाता है, टी सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है? दिबगढ़ को। और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर लाइन आइसलैंड है इसका नाम क्या है और कौन सा नदी का ऊपर गया है? वो कौन सा नदी का ऊपर है? वो मागुली है, ब्रह्मपुत्र नदी का अंदर है। और इसको क्या बोला जाता है ना, लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। और जो इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है वो इसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका ब्रिज। कहाँ पर है वो? ना लोहित नदी का ऊपर। और इंडिया ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन असम वो है दिगबोई। और इंडिया बिगेस्ट वेविंग विलेज सालकुची जो कि असम में है। और जो एक ही मेल रिवर है इंडिया में वो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र, वो असम में है। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या कीजिए, इसको याद कीजिए और नोट कीजिए। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छे लगता है तो आप लोग इसको कमेंट्स, शेयर्स एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अच्छे इस तरह अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोग के पास लाऊंगा जो आप लोग पढ़ाई करेंगे और आपका एग्ज़ाम भी क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।